29 जून की रात को बार्बेडॉस के ब्रिजटाउन स्टेडियम में जब हार्दिक पांड्या ने आखिरी बॉल फेंकी, इस बॉल की या इस जीत की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो दो इमेजेस जरूर आपके दिमाग में आई होगी। 19 नवंबर 2023 का वो दिन जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, पूरे टूर्नामेंट में एक्सेप्शनल बॉलिंग करने के बाद जब फाइनल में हम चूक गए थे और इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत पाए। याद होगा आपको 9 जुलाई 2019 का वो दिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उससे पहले हमने चैंपियन की तरह परफॉर्मेंस दिया, मगर जब मार्टिन गप्टिल के डायरेक्ट हिट से, डायरेक्ट थ्रो से एक इन से धोनी चूक गए थे। अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आप सबको, हम सबको, 150 करोड़ लोगों को वो इमेज याद है, वो पिक्चर याद है जब हम एक इन से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट या चैंपियंस का टैग या ट्रॉफी हार गए थे। आईसीसी ने 2007 में वर्ल्ड कप टी20 टूर्नामेंट शुरू किया, पहला ही टूर्नामेंट इंडिया ने चैंपियन की तरह जीता पाकिस्तान को हरा के, लेकिन उसके बाद किसी भी टूर्नामेंट को इंडिया नहीं जीत पाई थी। हर बार कभी सेमीफाइनल, कभी फाइनल, कभी एक इंच, कभी दो इंच इंडिया चूक जाता था। प्लेयर जबरदस्त थे, परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड चैंपियंस, पर हर बार जीत एक इंच से दूर रह जाती थी और हर बार सेमीफाइनल फाइनल में करोड़ों इंडियंस फैंस का दिल टूट जाता था। हमने देखा है कई बार कैमरे पर, इतने सारे कैमरे होते हैं कि छुप छुप कर रोने की कोशिश करने वाले रोहित शर्मा, विराट कोहली और कई सारे प्लेयर्स कैमरे पे रोते हुए पकड़े गए। करोड़ों इंडियंस फैंस की तरह वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाते थे, मगर 29 जून का दिन ऐतिहासिक था। इंडिया ने फिर चैंपियंस का टैग हासिल किया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज्यादा 4 आईसीसी टाइटल जीतने वाली इंडिया वर्ल्ड की पहली टीम बनी है। ये कप हमारा है, ये जीत हमारी है और ये जश्न हमारा है। चाहे बुमराह की बॉलिंग हो, पांड्या का विकेट हो, सूर्या का कैच हो या विराट की बैटिंग हो, इंडिया ने बार्बेडॉस की जमीन को चीर के तिरंगा लहरा दिया है और लहरा रहा है आज तिरंगा विश्व क्रिकेट पे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इससे? 3 P's, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवियरेंस, ये 3 P's बनाते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो दिलाते हैं आपको जीत आज नहीं तो कल। पूरे देश की जोली खुशियों से भरने वाले रोहित शर्मा को लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की पूरी टीम का सलाम। जैसा कि सिद्धू पाजी कहते हैं, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो पागल हो जाए। आज पूरा देश खुशियां मना रहा है। लॉ प्रेप वादा करता है सभी स्टूडेंट से, इसी जोश, जुनून, जज्बे और जिद से हम आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ हैं। जीतेंगे हम आज नहीं तो कल।